यादव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेड़मी पूरी। बेड़मी पूरी के लिए ये हमने उड़द की दाल ली है, उड़द धुली है, ये 200 ग्राम घंटे पहले भिगो दिया था, धोकर अच्छी तरह वॉश करके इसको भिगो दिया था। अब ये दाल ऐसी हो गई है, अब इसका पानी निकाल लेते हैं और फिर इसको पीसेंगे। ये हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें पहले थोड़ा सा इसको हल्का सा भूनेंगे। तेल लिया है, अब इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे। इसके साथ ही हमने 2 चम्मच इसमें साबुत धनिया डालेंगे। अब इसमें ये जो हमने दाल भिगो के रखी थी इसको डाल देते हैं। अब इस दाल को हल्का सा भून लेते हैं और ये हमने इसमें अदरक डालनी है, इसे भी हमने इसके साथ डाल लेते हैं, थोड़ी सी भुन जाएगी। इसको हम पीसेंगे। दाल हमने 2-3 मिनट पीस लिए, वो भून लिए सॉरी। अब ये दाल 2 मिनट के लिए भून ली है, अब इसमें हम थोड़ा नमक और लाल मिर्च डाल देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च इसमें डालें। बस अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1/4 चम्मच। तो मसाले को मिलाकर इसको हम गैस को बंद कर देते हैं। बस गैस बंद कर देते हैं, इसके साथ इसको 2-3 थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, फिर इसको पीस के दिखाएंगे। चलो ये दाल अब थोड़ी ठंडी हो गई है, अब इसको हम पीसेंगे। अब इसमें हम नमक मिर्च और हल्दी हमने डाल दिए, ये हम डालेंगे 2 चम्मच जो हल्की सी पीस ली है, 1/2 चम्मच काला नमक, ये 1/2 चम्मच गरम मसाला है, ये 1 चम्मच अमचूर है, ये थोड़ा हरा धनिया है और थोड़ी सी 1/2 चम्मच अजवाइन है, जिसको हम हल्का सा क्रश करके हाथ से इसमें डालेंगे और ये हींग डाली हमने। लेकिन ये अभी थोड़ी सी सूखी हो गई थी बिल्कुल, इसलिए हम 2 चम्मच इसमें पानी डालेंगे। ये हमने पीस लिए दाल को और इसके साथ सारे मसाले। अभी देखो
ये अच्छी तरह बिल्कुल ही बारीक नहीं पीसी, थोड़ी दरदरी पीसी है, जो कि आटे में आएगी तो अच्छी लगेगी। ये हमारा मसाला तैयार है, अब इसको हम सीधा ही आटे में डाल के उसको गूंदेंगे। इसकी आप पूरी अलग से बना के उसमें वैसे भर के भी बना सकते पूरी, लेकिन हम इसको आटे में ही गूंद लेंगे और फिर पूरियां बनाएंगे। अब ये हम इसको, ये हमने आटा लिया है, अब इसमें हम गूंद लेंगे इस सारे मसाले को डाल के। अब इसमें हम थोड़ा सा देसी घी भी डालेंगे। देसी घी डाला, आप चाहें तो तेल डालें। अब इसको हम गूंद लेंगे, पहले इसको दाल को अच्छी तरह मिला लेंगे मसाले को आटे में, फिर जितना पानी थोड़ा बहुत चाहिएगा वो हम बाद में मिक्स करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब इसको गूंदेंगे, बिल्कुल जैसे पूरियों का आटा होता है वैसे ही इसको टाइट गूंदना है। ये देखिए हमारा आटा, इतना टाइट आटा गूंदना है और इसको थोड़ा सा इस पे तेल या देसी घी जो आपको लगाना है वो लगा। अभी यहाँ हमने जो अभी गूंदा है उसको 10 मिनट हो गया, अब इसकी हम पूरियां बनाएंगे। और ये हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, ये अच्छा गर्म होना चाहिए तेल। हमारे पेड़ियां बना लेते हैं अच्छे, फिर इनको बेलेंगे, इसमें तेल भी अच्छा गर्म हो जाएगा। अब इसको बेलने के लिए इस पे जो तेल हम फ्राई के लिए कर रहे हैं उसी को ले सकते हैं, चकले वगैरह पे अच्छी तरह लगा के। आटा बिल्कुल ना लगाएं, पांच छह पूरियां बेल के रख लेते हैं। तेल हमारा ज्यादा गर्म हो रहा है, ये हमारी पूरियां देखो कितनी अच्छी फूल रही हैं, तो निकाल लेते हैं। ये पूरियां तैयार हैं, अब इनको आपको आलू की सब्जी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती हैं। ये हमारी बेड़मी पूरी और आलू की सब्जी तैयार है। थैंक यू।